कहते हैं भगवान कण कण में बसा है, लेकिन जहां तक फन का सवाल है तो हिंदुस्तान की सरजमीन ने ना जाने कितने फनकारों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने फन के जरिए ना सिर्फ अपना बल्कि मुल्क का नाम रोशन किया है। ऐसे ही अहमदाबाद के मशहूर मूर्तिकार हैं जनाब रतिलाल कंसौद्रिया, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने फन के जरिए माजी को हाल से जोड़ा है और मुस्तकबिल की राह तलाश की है। कहते हैं किसी भी इंसान को तरगीब उसके माजी से ही मिलती है, उसी तरगीब से तखयल पैदा होता है, और अगर गौर किया जाए तो ये सच्चाई जनाब रतिलाल पर एकदम सही साबित होती है। इसीलिए आपके शहपारे आपके माजी से जुड़े हैं और मुस्तकबिल की तरफ गामजन हैं। रतिलाल जी की पैदाइश गुजरात के सौराष्ट्र में हुई। कुदरत की नजर आने वाली और गैबी कारगुजारियों को अपने तसव्वुर के पंख लगाकर रतिलाल जी ने माहौल और पानी की हिफाजत जैसी आलमी परेशानियों से आदमी को आगाह करने की कोशिश की है। शायद यही वजह है कि उनके शहपारों में कहीं इंसानियत का दर्द छिपा है तो कहीं उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए दुआ। आर्टिस्ट एक प्रार्थना कर सकता है क्योंकि ईश्वर प्रार्थना सुनता है, ऐसा मैंने काफ़ी जगह पर मुझे महसूस किया है कि प्रार्थना सही हृदय से होगी तो ये रियली कुदरत सुनेंगे। और मैं ये प्रार्थना मेटल में कर रहा हूँ तो ये प्रार्थना सच्ची में आज 3-4 साल से हमारे गांव में रियल में बारिश गिर रहा है, तो ये अच्छा न्यूज़ मेरे लिए एक गौरव की बात बनेगी। मैं चलो ईश्वर ने मेरी भी प्रार्थना सुनी है। परिंदों की चहचहाट का एक तरह से इंसानी जिंदगी से गहरा नाता है। जहां परिंदा नहीं रह सकता वहां शायद इंसानी वजूद भी मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि रतिलाल जी के शहपारों में परिंदों को एक खास मकाम हासिल है, जो इंसानी तर्ज जिंदगी में एक अहम किरदार का एहसास कराते हैं। ब्रोंज फल्स में बना रतिलाल जी का ये शहपारा ऐसा ही एक अनोखा तसव्वुर है। जब हिमाचल में आपने कुदरत के इस खूबसूरत मंजर को देखा तो इस मंजर को आपने सौराष्ट्र में लाने की ठानी। ये जाहिरी तौर पर तो मुमकिन नहीं था, तो रतिलाल जी ने अपने तसव्वुर को पंख लगाए। यहां कहीं बादल सौराष्ट्र की तरफ परवाज कर रहे हैं तो कहीं दाने के लालच में परिंदे भी अपनी उड़ान भर रहे हैं। यहां कुदरती शान शौकत से लदी गाड़ी को खुद एक फनकार खींच रहा है, जो खुदा से की गई एक दुआ है तो कहीं अपनी जमी से प्यार की झलक। ये स्कल्पचर मैंने हिमाचल के एक एरिया में, मैं एक कैंप में गया था तो वहाँ पर सर्दी के सीजन में भी बादल थे। उन्होंने बोला कि कभी बादल हमारे यहाँ पर सर्दी के सीजन में नहीं, गर्मी के सीजन में भी बादल नहीं देखने को मिलते, मानसून आते आते थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो बादल देखा उधर, पहाड़ी देखी, पहाड़ के ऊपर में बादल घूमते हुए देखे, बर्ड्स हर वक्त घूमते हुए देखे, तो सोचा कि हमारे वहाँ नेचर की कमी है, ईश्वर तुम हमारे गांव में भी ऐसा नेचर बनाओ। तो उसकी वजह से मैंने एक अच्छा हिस्सा काट के उन पर व्हील लगा के मैंने हमारे गांव की तरफ मैं डस्टबिन के ले जा रहा हूँ, खुशी से मज़ा से, और बर्ड्स को लालच दे के मैं ले जा रहा हूँ। ख्वाहिश और जज्बे को कोई मूर्तिकार ही पंख लगा सकता है, लेकिन रतिलाल जी ने अपने शहपारों में अपनी ख्वाहिश पर काबू करते हुए जज्बों को आम लोगों की परेशानियों से जोड़ा है, और इसके लिए आपने ब्रोंज, मार्बल और लोहा वगैरह जैसे मुख्तलिफ जरायों का सहारा लिया। सांवले रंग के मार्बल में आपने सफेद पानी की धार बहाई है तो कहीं ब्रोंज फल्स में कुदरत की खूबसूरत कारकर्दगियों का अपने ढंग से मजाहिरा किया है। यही वजह है कि आपने जरिए से ज्यादा मौजू को अहमियत दी है और आपका मौजू है कुदरत की हिफाजत। रतिलाल जी ने खास तौर पर ब्रोंज और पत्थर को अपने फन को जाहिर करने का जरिया बनाया, लेकिन लकड़ी में भी काम करने का उनका तजुर्बा काफी तवील रहा है।
लकड़ी की अपनी खसूसियत की वजह से लकड़ी में काम करने के आपके तजुर्बात बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि लकड़ी में वो बहुत से इम्कानात नजर नहीं आते जो आपको ब्रोंज और काले पत्थर में नजर आते हैं, क्योंकि मुखालिफ मौसमी हालात, दीमक का डर और लकड़ी के फटने और टूटने का डर लकड़ी के शहपारों में हमेशा बना रहता है। इसके अलावा आपके लकड़ी में काम ना करने की ये खास वजह और भी रही है, और वो वजह है सौराष्ट्र का सूखा और उससे जुड़ी आपकी सोच। क्योंकि आपकी नजर में सौराष्ट्र के सानेहा की खास वजह वहां का लगातार कम होता जंगली इलाका और कटते दरख्त रहे हैं। दरअसल लकड़ी के जरिए आपके इस लगाव ने ही आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि लकड़ी के जरिए कुदरत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना कुदरत और मौजू दोनों के तई नाइंसाफी है। एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, एनवायरनमेंट बचाने की एक साइड से बात कर रहे हैं, दूसरी साइड से अच्छे अच्छे वर्क बन रहे हैं और लोगों के सामने बहुत अच्छी कीमत में बिक रहा है, तो आर्टिस्ट तो मैड होके ही काम करेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट का तो अंदर का जीव है वो रोक नहीं सकता, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है वुड में। तो ये हमने सोचा कि नहीं, दोनों साइड से हम वुड को ख़त्म कर रहे हैं, तो हाँ यहाँ हमको रुक जाना चाहिए, हमारा विवेक ने हमको यहाँ रुकाया। इंसानी तहजीब में दौरे संग को सबसे पहला दौर माना जाता है, इसके बाद 2200 ईसा कब्ल तारीख में दौरे फल्ज का जिक्र मिलता है। इस तरह अगर गौर करें तो फल्ज का इस्तेमाल हिंदुस्तान में कोई नई बात नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के दौर के हथियार आज भी खुदाई में पाए जाते हैं, जो खसूसियत के लिहाज से आज भी अहमियत रखते हैं। इस तरह रतिलाल जी ने अपने शहपारों को तवील उम्र देने के लिए ब्रोंज का इस्तेमाल किया। ब्रोंज में एक तो सबसे बड़ी बात ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी मतलब आर्टिस्ट के सर्जन के बाद भी आर्टिस्ट नहीं है तो भी जो आर्टिस्ट ने सर्जन के पीछे अपना थॉट रखा है, विचार रखे हैं, वो हमेशा जिंदे रहते हैं। ये ड्यूरेबिलिटी के कारण से है। हमने जो मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि नर्तकी का जो स्टैचू है ब्रोंज में है, ऑलरेडी उस समय का मेटल में है, तो वो अब आज भी हम देख सकते हैं कि आर्टिस्ट ने कितने नज़ाकत से अच्छा सा बनाया है, मतलब और आज भी हमारे सामने म्यूजियम एक अच्छा पीस के रूप में हम देखते हैं। तो एक ब्रोंज एक ड्यूरेबिलिटी एंड ब्रोंज में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। रतिलाल जी ने इंसान और कुदरत और कुदरत और परिंदों के अटूट रिश्तों को उजागर करते सैकड़ों शहपारों को ब्रोंज में ढाला है। हर एक शहपारा नायाब कहा जा सकता है, जो मौजू की संजीदगी और इंसानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को जाहिर करता है। कहीं ये शहपारे जिंदगी के रिश्तों का मजाहिरा करते नजर आते हैं, तो कहीं कुदरत की कहानी और तर्जुमानी की तरफ इंसान को रुजू करते नजर आते हैं। ब्रोंज में बने इस शहपारे पर अगर गौर करें तो मछली की दुम पर रतिलाल जी ने एक दरख्त को उगाया है, क्योंकि मछली और दरख्त की बुनियादी जरूरत पानी ही है। यहां दरख्तों पर परिंदों ने घोंसले बनाए हैं, क्योंकि दरख्तों के बिना परिंदों की जिंदगी नामुमकिन सी है। इस तरह इस शहपारे के जरिए फनकार ने पानी, दरख्त और परिंदों की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है। ऐसा ही एक और नायाब शहपारा है, जो इंसानी जिंदगी में हिमालय की अहमियत को जाहिर करते हुए पहाड़ी कारकर्दगियों का मजाहिरा करता है। हिमालय में गैबी तौर से होने वाली कुदरत की कारकर्दगियां, जैसे गौमुख से देवों का कहीं पानी भरना तो कहीं संतों का जड़ी बूटी कूटना, ऐसे ही एक तरफ शिव पार्वती हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर शेर और हाथी चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। 170 किलो के शहपारे में धुएं का मजाहिरा करता रतिलाल जी का ये हुनर हिमालय में छिपी मजहबी अकीदत की अलामत है। इसलिए ये सभी शहपारे आलमी लोगों की अकीदतों की अलामत कहे जा सकते हैं। फल्ज हो या पत्थर, जरिया चाहे जो भी हो, लेकिन रतिलाल जी के गौर व फिक्र का दायरा कुदरत से ही जुड़ा रहा। काले और सख्त बेजान पत्थरों को शक्ल देकर रतिलाल जी ने
कुदरत के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाया है। इस शहपारे में पानी को जिंदगी की बुनियादी जरूरत बताया गया है। पानी की बूंद को एक कुंभ में महफूज करके उससे एक पत्ती की प्यास बुझाते हुए दिखाया गया है, जिससे ये एहसास होता है कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। इस शहपारे में दो पत्ते मिलकर कुंभ की हिफाजत कर रहे हैं, तो वहीं इस शहपारे में पानी को पत्तों से बांध कर रखा गया है और कमल का फूल पानी की अहमियत का मजाहरा कर रहा है। काले पत्थर में रतिलाल जी के जरिए तख्लीक शुदा पानी की कड़ी ने फन की दुनिया में आपको एक नई पहचान दी। तो रतिलाल जी का पत्थरों से रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। काला पत्थर में बहुत सारी संभावना है, इसलिए कि एक ही पत्थर में 4 से 5 ग्रेड मिलते हैं। एकदम घिसो तो एकदम ब्लैक, और अपने स्ट्रोक्स रख दिए हैं ऐसे तो ग्रे दिखेंगे, और ऐसे प्लेन करोगे तो वाइट दिखेंगे। और ये फॉर्म आप दूर से भी देख सकते हैं, नज़दीक से भी उतना ही प्यारा दिख सकता है वाइट के कंपेयर में। तो मैंने काला पत्थर पसंद करने के पीछे ये भी है, और भैंसलाना हमारा एरिया में नज़दीक में नज़दीक है, और ये काला पत्थर पसंद करने का एक ही एक प्रेरणा का स्रोत मुझे मिला है। अहमदाबाद को सूर्य नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। सूरज की किरणें जब यहाँ की सरजमीन को रोशन करती हैं तो शहर का मंजर काबिले दीद होता है। दस्तकारी यहाँ के लोगों का कदीम हुनर है, जिसकी गवाह है ये इमारत, जिसकी तारीखी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बारीक औजारों के जरिए पत्थर में काटी गई ये जाली अहमदाबाद के लोगों के दस्तकारी के तई रुझान का सबूत देती है। अगर जंगे आज़ादी की बात करें तो इस शहर की कारकर्दगियां तारीख में सुनहरे हरूफ में दर्ज हैं। इस तारीख को और आज़ादी के परवानों की यादों को संजोए रखने और उसे लाजवाल बनाए रखने में रतिलाल जी ने मुसलसल कोशिश की है। 17वीं सदी के अजीम कवि आगा भगत के मुजस्मे की तख्लीक 270 किलो ब्रोंज में रतिलाल जी ने ही की है। चेहरे पर उकेरे गए तासुरात भगत जी की शख्सियत और उनके पैगाम को देते नजर आ रहे हैं, और ये करिश्मा रतिलाल जी ने बिना उनकी तस्वीर देखे सिर्फ उनके अदब का मुताला करके किया है। ऐसा ही एक और शहपारा अहमदाबाद के पुराने इलाके में कायम है, और ये मुजस्मा है कवीश्वर दलपत राम जी का। दलपत राम जी ने अपनी कविताओं से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं गुजरात के लोगों को एकजुट रखने में 120 किलो के इस अजीमुश्शान मुजस्मे का अहम किरदार है, जिसकी तख्लीक भी रतिलाल जी के ही हाथों हुई है। रतिलाल जी के ये शहपारे 150 साल तारीख को हमेशा हाल से जोड़ते रहेंगे। अहमदाबाद की इस जगह को आज दलपत राम चौक के नाम से जाना जाता है। रतिलाल जी के स्टूडियो में तेज गर्मी से बचाकर रखे गए मोम के ये दर्जनों शहपारे दरअसल ब्रोंज में बनाए जाने वाले मुजस्मों के बुनियादी ढांचे हैं, क्योंकि फल्ज में किसी भी चीज की तख्लीक से पहले उसकी शक्ल को मोम में ढाला जाता है, जिसे बाद में एक अमल से गुजरते हुए ब्रोंज को भट्टी में डाला जाता है। मोम वैसे तो नर्म होता है, लेकिन इसमें अपने जज्बात का मजाहरा करना कोई आसान काम नहीं, और उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल और सख्त मेहनत का काम है उसे फल्ज में ढालना, यानी फल्जकारी। इस सब के बावजूद किसी भी मुजस्मे की तख्लीक से पहले उसकी तस्वीर को कागज पर स्केच किया जाता है। बाद में अमल दर अमल गुजरते हुए ये शहपारे अपने वजूद की तकमील पर पहुंचते हैं और एक रिश्ता कायम करते हैं इंसान और कुदरत के बीच। इस शहपारे में परिंदे को इंसान के हाथ से दाना ले जाते हुए दिखाया गया है, जो पूरी इंसानियत का परिंदे के साथ अपने रिश्तों और आपसी यकीन की कहानी को बयां करता है।
क्योंकि फनकार के मुताबिक इंसान और परिंदे दोनों ही यकसां तौर पर अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों का निभा कर रहे हैं और यकसां तौर पर जिंदगी जीने का हक रखते हैं। बर्ड भी एक जीव है, इंसान में भी एक जीव है, वो भी एक संसार निभा रहा है। बर्थ के बाद बर्ड्स भी अपना एक संसार निभा रहा है। मुझे तो दोनों में कोई अंतर नहीं लग रहा है। वो बर्ड भी एक पारिवारिक समस्या झेल रहा है, सांसारिक समस्याएं झेल के मतलब अपना उसमें से समस्या का हल ढूंढ के मतलब जीता है। उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बीइंग भी, तो दोनों पैरेलल मुझे लग रहे हैं। नॉट ओनली बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, सब मुझे लग रहा है कि बस वॉल्यूम ही छोटा मोटा है, बाकी तो हम एक जैसे ही। मुझे तो मैं जब भी स्कल्पचर बनाने के लिए बैठता हूँ तो चोंच बनाता हूँ तभी मेरा मुंडी मुझे याद आ जाता है, पांख बनाता हूँ तभी मुझे लगता है कि मैं उनका हाथ बना रहा हूँ, पांव बना रहा हूँ तभी पांव लगता है। तो ये एक अभिन्न अंग जैसा लग रहा है, मतलब एक भेद रेखा नहीं कर सकते, ऐसा मुझे मेरा क्रिएशन में लगता है। आज मूर्तिकारी में शायद ही रतिलाल जी का कोई सानी हो, और अगर हो भी तो मौजू की संजीदगी के लिहाज से रतिलाल जी की एक अलग ही अहमियत है। फन के हलके में कौमी और बैनुल अक्वामी दर्जे के दर्जनों एजाजात बटोरने वाले रतिलाल जी एक ऐसे अनोखे फनकार हैं जिन्हें कुदरत से बेइंतहा मोहब्बत है और साथ ही माजी की धरोहर से भी। कौमी एजाजात से नवाजे गए आपके शहपारे आज भी नस्लों को झकझोर रहे हैं कि हम कैसे उन शहीदों को नजरअंदाज कर रहे हैं जिन्होंने कौम के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। यहां कीड़े शहीद के नातेदार बने तो मोर की नजदीकी बढ़ी है, फिर भी चिड़िया शहीद की प्यास बुझाने के लिए रक्स करके कुदरत से पानी के लिए फरियाद कर रही है। एक साथ कई तरह से आवाम को बेदार करने वाले इस शहपारे के लिए रतिलाल जी कौमी एजाज से नवाजे गए। आज रतिलाल जी अहमदाबाद में सेठ सीएन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में तालीम देने का काम सरंजाम दे रहे हैं। एक उस्ताद की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले रतिलाल जी एक फलसफी और एक फनकार का किरदार पुरजोर तरीके से निभा रहे हैं। एमएस कॉलेज ऑफ आर्ट बड़ौदा में तालीम हासिल कर चुके रतिलाल जी की कुदरत के तई